सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को साइड में जो घंटा दिया हुआ उसको भी दबाइए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की आपको अपडेट मिल पाए। हाय गाइज, आज हमारे पास है लेनोवो Z2 Plus और आज हमने इसमें इंस्टॉल किया है पिक्सल एक्सपीरियंस रोम जो कि एंड्रॉयड 8.1 पे वर्क कर रही है। और यहाँ पे जो आपको बूट एनिमेशन मिलेगा वो भी गूगल का मिलेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में रोम का रिव्यू करने वाला हूँ कि रोम कैसी है, क्या आपको इंस्टॉल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हो बूट टाइम काफ़ी कम है, काफ़ी जल्दी बूट हो जाती है। अगर ओरिजिनल 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 एंड्रॉयड सिस्टम से आप कंपेयर करोगे इसके तो काफ़ी जल्दी बूट हो जाती है। ये पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है तो इसमें सारा एक्सपीरियंस आपको पिक्सल वाला मिलने वाला है। जो नीचे का बार देख पा रहे हो नेविगेशन बार, वो भी पिक्सल की तरह ही है। वॉलपेपर पिक्सल वाला है, एनिमेशन पिक्सल वाला है, गूगल का ये जो लोग ये सर्च बार दिया हुआ है वो भी पिक्सल वाला है। साइड में आपको जो गूगल का बार मिलता है वो मिलेगा। बात करते हैं रोम की स्पीड एंड परफॉर्मेंस की। तो रोम की स्पीड ओवरऑल काफ़ी अच्छी, कोई भी ऐप आप अगर आप बार बार ओपन करते हो तो काफ़ी ईजिली तरीके से ओपन हो जाता है और काफ़ी ईजिली तरीके से ही क्लोज हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी ओपन किया तो आप इंस्टेंटली उसे क्लोज कर सकते हो, बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि थोड़ा सा वेट करें। जो इसकी ओरिजिनल रोम है उसमें आपको काफ़ी सारा वेट करना पड़ता था क्योंकि उसमें सही तरीके से ऐप लोड नहीं हो पाते थे। इसमें आप आराम से इजीली जल्दी से जल्दी कर सकते हो। और अगली खास बात ये भी है कि इस फ़ोन में, इस रोम में बैंकिंग के सारे ऐप वर्क करेंगे, जो कि जो रोम थी वो पिछली वाली जगुआर रोम उसमें बैंकिंग के एप्लीकेशंस वर्क नहीं कर रहे थे, तो इसमें तेज का एप्लीकेशन भी वर्क करेगा। इसमें बात करेंगे इसके मेनू की तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो सिस्टम है वो एंड्रॉयड 8.1 पे वर्क कर रहा है। इसका जो सिक्योरिटी लेवल वो फरवरी का है, अभी तक इसमें मार्च में या कोई अपडेट नहीं दी गई है। इसमें फरवरी में जो रिलीज़ किया गया था वो ही है। इसमें ज़्यादा कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे। और इसमें गूगल कैमरा दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। हालांकि मैंने पोर्ट्रेट मोड डालने की ट्राई की थी पर इसमें हुआ नहीं, मे बी इस ओरिजिनल एप्लीकेशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट में कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जो गूगल के पिक्सल्स फ़ोन में आते हैं वैसा ही मिलेगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप का थोड़ा सा कम है, मतलब 4 या 4.5 घंटों का स्क्रीन टाइम आपको मिल पाएगा। इसमें जो पिछली वाली रोम थी जगुआर रोम उसमें आपको 5 से 6 घंटों का जो स्क्रीन ऑन टाइम है मिल पाता है। बैटरी करीबन 2 घंटों में आराम से फुल हो जाती है इसकी। और यहाँ पे कोई भी जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन इसमें ज़्यादा नहीं दिए गए हैं रोम में। अगर कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं गेस्चर और बटन। बटन में आप देख सकते हो जब आप रोम इंस्टॉल करोगे तो बटन आपको हाइड मिलेंगे, मतलब अगर आप देख पा रहे हो तो ये नेविगेशन बार है वो आपको हाइड मिलेगा बिल्कुल ही, और आपको इसे एक्टिवेट करना होगा सेटिंग में जाने के बाद में। और यहाँ पे जो ये बीच का बटन है उसके लिए टैप के मतलब बैक बटन, यू टच के लिए कुछ गेस्चर दिए हुए हैं और होम बटन के लिए कुछ गेस्चर दिए हुए हैं। एक खास बात ये भी है कि पावर बटन अगर आप लॉक स्क्रीन पर प्रेस करते हो तो आप फ्लैश जल जाएगी, अभी इसमें कस्टमाइजेशन दिया हुआ है यहाँ पे। और मैनेज पावर बटन में एडवांस रिबूट का ऑप्शन भी दिया हुआ है अगर आप एडवांस जो रिबूट करना चाहते हो तो। यहाँ पे वॉल्यूम रोकर्स के साथ में भी कस्टमाइजेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो वॉल्यूम कंट्रोल फोर्स मीडिया, अगर मैं आवाज़ ऑन करता हूँ तो केवल मीडिया की ही ऑन होगी और इसको बंद करने के बाद में आपकी जो प्रोफाइल की है वो ऑन होगी। और वॉल्यूम के आंसर टू का भी कॉल इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपका कॉल रिसीव होता है तो आप सीधे डायरेक्टली वॉल्यूम क्यू से रिसीव कर सकते हैं कॉल। अगर आप स्क्रीन ऑफ है लॉन्ग प्रेस से वॉल्यूम कीज दबाते हो तो आपका म्यूज़िक वो सीक हो जाएगा, मतलब या तो म्यूज़िक कट जाएगा या फिर नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा। और कुछ गेस्चर यहाँ पे दिए हुए हैं, जो एक ही गेस्चर यहाँ पे जंप टू कैमरा का, और कोई गेस्चर यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। ओवरऑल कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्पीकर भी इस रोम में काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। VoLTE अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, यहाँ पे VoLTE का आप साइन देख पा रहे हो। 4G इंटरनेट भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, चार्जिंग की स्पीड भी है नेचुरल है, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे कॉलिंग करते हो तो एक एरर शो करता है, दिस डिवाइस इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर फोन कॉल मे नॉट करेंटली। पर ओवरऑल कॉलिंग लगी जाती है पर ये एरर हमेशा शो करता है। और अगर रोम के इशू की बात करो तो मुझे केवल एक ही इशू ये देखने को मिला, और कोई इशू इसमें रोम में देखने को नहीं मिला है। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया है, मल्टीटास्किंग के लिए भी रोम काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे बिल्कुल आपको पिक्सल वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आप जैसे फ़ोन को ऑन करोगे तो गूगल लिखा हुआ आएगा, एनिमेशन बूट एनिमेशन भी गूगल का ही दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो चार्जिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले चार्ज की थी तो 22% थी, 25% हो चुका है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से चार्ज हो रहा है।
ओवरऑल रोम काफ़ी अच्छी है, पर ये बैटरी लाइफ के लिए अगर आप ये रोम यूज़ में लाना चाहते हो तो उसके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जो जगुआर रोम थी 8.1 वाली वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी। सो ओवरऑल रोम का ओवरव्यू यही है, और कोई और ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिया गया है। पिक्सल की तरह यहाँ पे डेट एंड टाइम एंड टेम्परेचर शो कर रहा है, सेटिंग में कोई और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फेस अनलॉक का ऑप्शन भी आपको स्मार्ट अनलॉक में देखने को मिल जाएगा, पर फेस ऑटो अनलॉक का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइज ये था गूगल की पिक्सल रोम का रिव्यू। सो गाइज प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।